एक बार प्रभुपाद जी के पास एक बिजनेसमैन आए तो प्रभुपाद जी कहते हैं तुम चोर हो। तो वो कहता है नहीं, मैं तो अपने परिवार वालों के नाम पे मैंने अपनी सीमेंट फैक्ट्री का नाम रखा है और मैं सबको बराबर, जिससे काम लेता हूँ मैं बराबर उनको सैलरी देता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तो कहते नहीं, तुम एक सीमेंट लाते कहाँ से? वो पहाड़ों से। पहाड़ किसका है? भगवान का है, तुम चोर हो। वो कहता नहीं नहीं, मैं कैसे चोर हो सकता हूँ, मैं तो जो पैसा मुझे मिलता है मैं जन्माष्टमी में लाके डोनेशन देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। तो प्रभुपाद जी, अच्छा डोनेशन देते हो? मैंने कहा हाँ। ठीक है, तुम छोटे चोर हो। तो उसने क्यों? तो कहते तुमने ही तो बताया अभी अभी कि तुमने अपनी फैक्ट्री का नाम अपने परिवार वालों के ऊपर रखा। अरे जब तुम गोविंद के पहाड़ से लाते हो तो गोविंदा फैक्ट्री क्यों नहीं रखा? क्या रखना चाहिए? गोविंदा फैक्ट्री रखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि सब कुछ कहाँ से आया है। किसी व्यक्ति से, किसी बच्चे से पूछा जाए कि दूध कहाँ से आया तो क्या बोलेगा? सुपरमार्केट से आया है। सुपरमार्केट में कहाँ से दूध आया है? तो किसी वेयरहाउस में रखा था, वहां से उन्होंने सप्लाई कर दिया। वहां पे कहाँ से आया? तो किसी फार्म से आया। फार्म में कहाँ से आया दूध? कहाँ से आया? गाय से आया दूध। गाय ने दूध कैसे दिया? जब घास खाई तब तो वो दूध देगी। वो घास कैसे ऊपर आई? है ना, जब बारिश हुई तब घास आई। लेकिन बारिश कैसे हुई? समुद्र से बादल बने तब बारिश। समुद्र में पानी कहाँ से आया? समुद्र में पानी किसने भर के रखा है? कृष्ण ने भर के रखा। किसी भी चीज को ले लीजिए, तो उन्हें दूध का उदाहरण दिया। किसी भी चीज को ले लीजिए, अंत में वो कहाँ से आया? भगवान श्री कृष्ण से आया। तो भगवान भौतिक वस्तुओं को भी देते हैं, भगवान आध्यात्मिक वस्तुओं को भी देते हैं।